देश भर में कोरोना वायरस के चलते चल रहे लॉकडाउन के बीच जहां तहां लोग फंसे हुए हैं, तो वहीं लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड के काशीपुर में फंसे कश्मीरी व्यापारियों और उनके परिवारों को प्रशासन ने राहत प्रदान की, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने कश्मीरी व्यापारियों को दो शिफ्टों के तहत आज दूसरे दिन उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। आपको बताते हैं कि काशीपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष कश्मीर से लोग गर्म कपड़े तथा ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए नवंबर के माह में काशीपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में आते हैं तथा सर्दी के सीजन समाप्त होने पर मार्च के महीने में अपने घर कश्मीर को वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश भर में शुरू हुए लॉकडाउन के बीच ये कश्मीरी व्यापारी काशीपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में फंस गए। ऐसे कश्मीरियों के लिए एएसपी राजेश भट्ट के प्रयासों से आज उन्हें उनके गंतव्य स्थान कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया। इन सभी 14 कश्मीरियों को लेकर एक बस एएसपी कार्यालय से रवाना हुई। कश्मीर जाने से पूर्व इन कश्मीरियों में जहां खुशी का माहौल दिखा, तो वहीं उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट की उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए सराहना की। कश्मीरियों के मुताबिक पिछले 6 महीने से वे अपने परिवार से दूर यहां फंसे हुए थे। वहीं प्रशासन ने सभी का मेडिकल परीक्षण करवाकर रवाना किया है। बहुत बहुत खुशी, बहुत आज 6 महीने के बाद अपने बच्चों के लिए मिलने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम कश्मीर से आए थे उत्तराखंड, अब आज 6 महीने के बाद हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। किस लिए आए थे आप लोग, कितने लोग थे? हम तो बहुत बहुत सारे लोग आए थे, कुछ लोग से पहले गए थे, कुछ लोग आज जा रहे हैं अब 6 महीने के बाद। तो हम यहाँ SP साहब को बहुत बहुत खुश है। SP साहब को देखिए, जम्मू कश्मीर के कुछ लोग हर साल सर्दियों में अपना शॉल और गर्म ऊनी कपड़ों का सामान बेचने के लिए आते हैं। इस बार ये लोग यहाँ लॉकडाउन के कारण से फंस गए थे, तो इनकी हमने एक कंबाइंड परमिशन लेकर के गाड़ी करवाई है, जिसमें आज इनको रवाना किया गया है प्रॉपर परमिशन, और इनका मेडिकल वगैरह करवा करके सैनिटाइजेशन वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट करवा करके आज इनको भेज दिया गया है। देखिए, वैसे ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉलिसी क्या है। हमारे यहाँ काशीपुर में कोरोना का कोई केस नहीं है, उसके अलावा इनका मेडिकल भी कराया गया है, ये लोग फिट और फाइन है। अब ये डिपेंड करता है वहाँ स्टेट की क्या पॉलिसी है।